नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं satyahindi.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पेरिस ओलंपिक 2024 का आज सोमवार 5 अगस्त को 10वां दिन है। भारतीय खिलाड़ी शूटिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स, सेलिंग जैसे इवेंट्स में भाग ले रहे हैं और आज 10वें दिन सबकी निगाहें बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन पर हैं, जो कि ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैदान में खेलने उतरेंगे। आपको बता दें कि भारत के खाते में अब तक 3 कांस्य पदक आ चुके हैं और ये तीनों पदक खिलाड़ियों ने शूटिंग इवेंट्स में जीते हैं। आपको मेडल टैली की ताज़ा स्थिति के बारे में बता दें कि मेडल टैली में अब यूएस टॉप पर आ गया है। यूएस ने 19 गोल्ड समेत 71 पदक जीते हैं, वहीं चीन 19 गोल्ड समेत 45 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर है और मेज़बान देश यानी फ्रांस 12 गोल्ड सहित 44 पदकों के साथ तीसरे नंबर पर है। बात करें भारत की तो भारत 3 कांस्य पदकों के साथ 57वें पायदान पर मौजूद है। पेरिस ओलंपिक के 10वें दिन यानी आज भारत को मेडल की उम्मीद है। आज बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलेंगे। उनका मुकाबला शाम 6 बजे मलेशिया के शटलर जी जिया से होगा। आपको बता दें कि लक्ष्य सेन सेमीफाइनल में डेनमार्क के विक्टर एक्सलसेन के खिलाफ एक रोमांचक मुकाबले में 2-0 से हार गए थे, लेकिन अभी भी लक्ष्य के लिए पदक की उम्मीदें बाकी हैं। उन्हें अब कांस्य पदक के लिए आज एक और मैच खेलना होगा। अमेरिकी स्प्रिंट स्टार नोआ लाइल्स ने पेरिस ओलंपिक में 100 मीटर की रेस सेकंड के 5000वें हिस्से के अंतर से जीत ली है। पेरिस ओलंपिक के सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक पे नोआ ने अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ 9.79 सेकंड में यह दौड़ जीत ली, लेकिन जमैका के स्प्रिंटर किशेन थॉम्सन ने भी इतने ही समय में दौड़ पूरी की। दोनों का समय 9.79 सेकंड ही माना गया। बात करें अंतर की तो नोआ का अंतर 0.784 था, जबकि थॉम्सन का 0.789 था। इसके अलावा अमेरिकी खिलाड़ी फ्रेड कर्ली 9.81 सेकंड के साथ ब्रॉन्ज मेडल विजेता बने और पिछली बार के गोल्ड मेडल विजेता इटली के जैकब्स मार्सेल ने 9.85 सेकंड में दौड़ पूरी की और वो 5वें स्थान पर रहे। स्केट मिक्स्ड टीम इवेंट का क्वालिफिकेशन शुरू हो गया है। इस इवेंट में माहेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरूका पर सबकी निगाहें हैं। बता दें कि कुल 15 टीमें इस इवेंट में भाग ले रही हैं। क्वालिफिकेशन में टॉप 2 पर रहने वाली टीमें गोल्ड के लिए फाइनल में भिड़ेंगी, वहीं तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमें कांस्य पदक के लिए मुकाबला करेंगी। साथ ही बता दें कि क्वालिफिकेशन में कुल 3 राउंड होने हैं। अब बात करें आज के बाकी शेड्यूल की तो नौकायन में महिला डिंगी ओपनिंग सीरीज रेस 9 दोपहर 3:45 पर शुरू होगी और रेस 10 शाम 4:53 पर होगी। इसके अलावा पुरुष डिंगी ओपनिंग सीरीज रेस 9 शाम 6:10 पर तो वहीं रेस 10 शाम 7:15 पर शुरू होगी। पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम हॉकी के क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को बेहद कड़े मुकाबले में हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई है। आपको बता दें कि खेल के आधे समय तक मैच में दोनों तरफ से एक एक गोल किया गया था। भारत की तरफ से पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर हरमनप्रीत सिंह ने मैच का पहला गोल किया, वहीं ब्रिटेन के ली मॉर्टन ने अपनी टीम की तरफ से गोल कर मैच बराबरी पर ला दिया। यह मैच पेनल्टी शूटआउट तक पहुंच गया था, जिसमें भारत ने 4-2 से मैच में जीत हासिल की। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए satyahindi.com के साथ।